everyone, this is Maya Ali, and if you really want to know about Pare Har Love more and more, so you have to subscribe the YouTube channel of ARY Digital. कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो मामा गुस्से में नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है अरे सच बोल रहा हूँ पापा वरना वो नाश्ता बनाते हुए 10 बातें करती हैं पूछो हाँ देखा हाँ बोला है वरना जी बोलती है बोलो क्या बात है आप गुस्से में 100% गुस्से में चलो जल्दी से फिनिश करो क्या कर रहे हो आज छोड़ो सुनो तो सही मेरा कोई जासूस नहीं है परसों रशीद साहब को लिफ्ट दी थी ना वो रहते हैं 408 में उनके सामने गार्ड ने बताया कि उस हुलिये के कोई साहब आए थे आपके फ्लैट पर फ्लैट का नंबर पूछ रहे थे तो मैं खुद उनको दरवाजे पर छोड़ा है छोड़ो ना मुझे इस बात का गुस्सा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नाश्ता करो फिर बात करते हैं उसके पास जॉब करने की बात ना करो प्लीज मैंने उसकी नजर देखी है महवेश और उससे पहले दुनिया देखी मर्द की नजर ही उसका पहला इंट्रोडक्शन होती है उसमें दिखता है कि उसकी नीयत क्या है और उसका कैरेक्टर कैसा है हमारा प्रॉब्लम रोमी का अच्छा स्कूल है तो उसके लिए लाख रुपए महीना नहीं चाहिए तुम कर लो जॉब लेकिन वहां जॉब करो जहां तुम्हें उतनी सैलरी मिले जितनी तुम डिजर्व करती हो ओ ये ओ क्यों कहा तुमने तुम्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि मुझे लाख रुपए सैलरी क्यों मिल रही है आर यू क्रेजी मुझे इस बात की तकलीफ होगी मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां नहीं दे पाई फिर भी मैंने वो 10 लाख रुपए नहीं लिए जो मैं डिजर्व नहीं करता था तुम्हें भी यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पैसे आप डिजर्व करते हैं वो आपकी सैलरी होती है और जो पैसे आप डिजर्व नहीं करते वो आपकी कीमत होती है ये सब चीजें जाकर वापस करो उसे
और उसे बोल कर आओ तुम्हारी नजर में फतूर है शहवार है बत, तुमसे दोस्ती नहीं हो सकती। जाओ ना, इस तरह खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरी कीमत लगाने से पहले हम दोनों को एडवांस मिला है, ये वापस करोगे उसे तो उसे पता चलेगा कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। मैंने फैसला किया है, मैं जॉब नहीं करूंगी, रूमी को किसी सस्ते स्कूल में भेज देंगे। अब भी तुम खुश नहीं हुए? तुम भी तो खुश नहीं हो, ये बात समझा कर कहने की थी पर तुम तो गुस्से में कह रही हो। बात वही है महविश, उसका मतलब बदल गया। ये सचमुच तोहफे नहीं है, इसीलिए घड़ी पहनते हुए डर लगता है मुझे। कसम से ये नेकलेस जब तुम पहनती हो तो मुझे खूबसूरत नहीं लगती। ट्रस्ट मी महविश, तोहफे नहीं है ये, बिच्छू है जो मुझे काट। दानिश घड़ी और नेकलेस लेकर आपकी तरफ गया है। अरे घड़ी और नेकलेस लेकर क्यों? वापस करने आ रहा है आपको। लेकिन क्यों वापस देने आ रहा है? अचानक क्या हुआ उसे? उसे लगता है आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते। ये तो ठीक लग रहा है उसे, कसम से मेरी नीयत ठीक नहीं है। इट्स नॉट अ जोक, आपकी इन्हीं बातों की वजह से गुस्सा आता है उसे, और उसे यही पता चल गया कि आप उस दिन मुझसे मिलने आए थे। मिलने नहीं, देखने। मिलने का तो अभी सोचा नहीं। अब क्या करेंगे आप? क्या करूं? आप गेट पर कहलवा दीजिएगा कि आप घर पर नहीं हैं। ये नहीं करूंगा, वो आएगा तो मिलूंगा, बात सुनूंगा, बात करूंगा और देखूंगा कितना दम है उसके अंदर। तो फिर आप उसे जानते नहीं है, वो डट जाएगा आपके सामने। वो भी तो मुझे नहीं जानता, मेरी नीयत को चैलेंज करने आया है। तुम्हारी कसम, उसे हरा कर भेजूंगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें भी लगता है कि मेरी नीयत बुरी है? बुरी नजर से देखता हूं तुम्हें? सच बताऊं तो कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन फिर लगता है ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे दोस्त हैं बस। दोस्तों में उसका तो मेरे क्या है? आप तुम बताओ, पहली बार तुम्हें देखा तो दिल ने पूछा तुम किसी और की क्यों हो, अगली बार तुमसे मिला तो दिल को समझाना पड़ा, बच्चों की तरह बहलाया बताया कि तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे खरीद कर मैं अपने पास रख लूं। और जब तुम डिनर पर आई तो लगा कोई आसमान से दिल की जमीन पर उतरा है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद किया और ये सोचकर सो गया
कि बंजर जमीनों पे परियां नहीं उतरा करती। अगर इन बातों से लगता है कि मेरी नीयत बुरी है तो आज मैं उससे कह दूं, जाइए दानिश साहब, नीयत बुरी है मेरी। चुप क्यों? बोलो ना। वो आया नहीं क्या? नहीं। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? तुम करोगी रिक्वेस्ट? अरे तुम हुक्म करो। आप ये मत कहिएगा कि नियत बुरी है मेरी। नहीं कहूंगा, मत डरो। और लाउड बोले तो सुन लीजिएगा। लाउड बोलेगा वो? नॉर्मली नहीं बोलता, लेकिन कोई मेरा नाम लेकर बात करे तो बहुत गुस्से में आ जाता है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मजा नहीं आएगा आपको, गुस्सा आ जाएगा। वो बहुत बदतमीजी भी करेगा, आगे से आप भी कुछ कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। एक मिनट। अच्छा ठीक है, उनको बिठाओ और कहो कि मैं आता हूं। आ गया वो? या अल्लाह। अरे डरो मत, और मान लो कि हरा कर भेजूंगा उसे। अल्लाह करे। ट्रस्ट मी, देख लेना, आएगा तो घड़ी पहनी होगी और आते ही कहेगा सॉरी महवेश, आई वॉज रॉन्ग, उसकी नीयत बुरी नहीं थी। आइए। बैठिए प्लीज, साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? कुछ नहीं। ये तो नहीं होगा सर, साहब को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे मुझ पर। एक ग्लास ठंडा पानी ले आए बस। जी अभी लाया मैं। What a pleasant surprise दानिश साहब, वरना आज का संडे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। बैठिए ना। कैसे आप? I'm fine। कुछ लिया आपने? पानी का क्या है? दो सिगर सिर्फ पानी ही पियेंगे। कमाल करते हैं दानिश साहब। ठीक है तुम जाओ, ले लीजिए। थैंक यू। महवेश क्यों नहीं आई? देखिए सर, दुनिया जहां की तारीफें कर डाली लेकिन असर ही नहीं हुआ उन पर। मेरा ख्याल था कि अब आपसे खुद कहा करेंगी शहवार साहब की तरफ चलते हैं। किसी ने कहा था कि औरत का दिल जीतना हो तो उसकी तारीफ करो, बल्कि सीधा ही कह दो कि तुमसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। लगा कि वो सुनकर खुश होंगी और फिर आप लोगों को यहां आने के लिए इनवाइट नहीं करना पड़ेगा। वो तो ठीक है लेकिन। अरे क्या ठीक है दानिश साहब, उस दिन रूमी आया, थिएटर में फिल्म देख रहा था, लॉन में मस्ती कर रहा था, हम सब ने मिलकर साथ डिनर किया तो मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। याद कीजिए ना घर में कितनी रौनक थी, मैं ऐसे चहक रहा था कि जैसे आप लोग यहां से जाएंगे नहीं, जैसे हम चारों एक फैमिली हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हम लोग, और फिर आप तो चले ही गए। और मैं कसम से आप गए ये घर काटने को दौड़ा था मुझे। जूस लीजिए ना प्लीज।
और भाभी को फोन करके कह दीजिए कि आज आप लंच मेरे साथ करेंगे। इनकार नहीं सुनूंगा दानिश साहब, प्लीज। दीवान साहब लंच लगाइए। सो गया? 10 कहानियां सुनाकर आ रहा हूं। 10वीं कहानी पर सोया, पूछ रहा था ये जिन कहां होते हैं पापा, मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्या पढ़ रही हो? ऐसे ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो सोचा मैगजीन देख लूं। अनुषा देखकर गई थी। लाइट बंद करो। नहीं नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। 1 बज रहा है दानिश। बजने दो। पता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अपने आप को कोस रहा हूं। क्या हुआ? तुमने पूछा ही नहीं कि वहां क्या हुआ था। मैं इतने गुस्से में गया था और मोम की तरह पिघल कर वापस आ गया। क्या हुआ था वहां? यार मेरे कुछ बोलने से पहले पता नहीं क्या क्या बोल गया वो। उसकी बातों में दुख था, सच्चाई थी। मैं तो सुनकर तड़प गया महेश। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किसी काम से आया। अरे मैं सोच कर गया था कि उसने जरा भी ऐसी वैसी कोई बात की तो मुंह तोड़ दूंगा उसका, तो मैं तो बस मुंह देखता रह गया। लड़े बगैर हरा दिया उसने मुझे। यकीन करो वहां से निकलते हुए मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं कोई हारा हुआ सिपाही हूं। मेरे सारे अंदाजे गलत निकले महेश। I was wrong. नीयत बुरी नहीं है उसकी, ना ही उसकी नजर बुरी है। अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह में तुम्हें ऑफिस जाना है। अरे सुनो तो सही, उन दोनों में डिवोर्स होने वाले। उन दोनों में मतलब? शेवार और उसकी मिसेस। ओ। शादी से पहले शेवार उसके ऑफिस में काम करता था, मुलाजिम था उसका, और शादी के बाद भी वो उसको अपना मुलाजिम ही समझती थी। बेवकूफ औरत थी। अरे अंदर की बात तुम क्या जानो और मैं क्या जानू। इसकी आंखों में देखो तो साफ दिखता है कि बेचारा बहुत अकेला है, बहुत मिस करता है उसको। और वो पता नहीं अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने तो कह दिया शादी कर दें आप। मतलब दूसरी शादी? अरे पहली शादी कोई शादी है? तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उस बात को मजाक में उड़ा दिया। बोला कि कोई महविश जैसी हो तो बताओ, फिर करूंगा शादी। तब मुझे पता चला कि मैं सच बोलता हूं। क्या सच कहते हो? यही कि मेरे पास बड़ी नौकरी नहीं, बड़ा घर नहीं, गाड़ी नहीं, शेवार जितना बैंक बैलेंस नहीं, मगर मेरे पास महविश है। मेरे पास तुम हो महेश। अपना सीवी बना लिया तुम? नहीं तो? मैं तो समझा तुमने बना लिया होगा। सीवी का क्या करूंगी? जॉब करोगी और क्या। अब जाओ तुम उसके ऑफिस, अपना सीवी दो और अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। तुम शेवार साहब की बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम जाओ, जगह भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम। श्योर? 200%। रूमी को कहाँ छोड़कर जाऊँ? अनुषा के पास। सिर्फ आज ही का तो प्रॉब्लम है, कल से किसी मेट का बंदोबस्त हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम खुश तो हो ना? तुम्हें लग नहीं रहा? लग तो रहा है लेकिन
फिर तुम्हें किसी बात पे गुस्सा आ गया तो? अब कभी गुस्सा नहीं होगा, प्रॉमिस। तुम जाओ मेरा बैग ले आओ। ज़्यादा रोब मत दिखाना मुझे। रोब किस बात का? 1,00,000 रुपए सैलरी मिलेगी ना तुम्हें, फिर तुम प्राउड हो जाओगे। जेलिस तो रहे हो ना? चलो जाओ। अरे एक मिनट। ये लो। बाय। बाय। सितंबर की 16 कभी भी नहीं भूलूंगा। अपनी डायरी में लिखूंगा 16 को वो पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मैं जॉब के लिए आ रही हूँ सर। गुड मॉर्निंग दानिश साहब। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज दानिश साहब, आप मुझे सर नहीं कहेंगे। सर तो कहना पड़ेगा, जब महवेश आपको सर कहेगी तो मुझे भी कहना पड़ेगा। क्या मतलब? आज वो आपके ऑफिस आएगी, वो जॉब के लिए। अरे अच्छा अच्छा, तो कब आ जाए वो? मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, उनसे कहिए वो भी चली आए। एक बात और सर, जी? कुछ दिन के लिए अगर उसे पिक एंड ड्रॉप मिल जाए तो मैं जरा कंफर्ट में रहूंगा। कुछ दिन के लिए क्यों? दानिश साहब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि वो मेरे ऑफिस में काम करेगी तो उनको पिक एंड ड्रॉप का कोई प्रॉब्लम होगा? करवाइए मत, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। Thank you so much. My pleasure. Bye. Bye, sir. अभी तो वो नाश्ता कर रही होगी। आप अनुषा आंटी के घर और मैं ऑफिस। आप भी ऑफिस जाएंगे? हाँ ना। तो मैं रोज अनुषा आंटी के पास जाऊंगा? जी नहीं, आप कल से स्कूल जाएंगे और मेरे ऑफिस से आने तक आप हमारी मेड के साथ रहेंगे। काय मेड?
अरे वो आ जाएगी ना, चलो जाओ शाबाश, इतने सवाल नहीं करते। पूछूंगा। हाँ दानिश। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया। अच्छा सुनो, मैंने शवार साहब से बात कर ली है। क्या बात? अरे वही कि तुम उनके ऑफिस में जॉब करोगी, बल्कि तुम्हारे लिए पिक एंड ड्रॉप का भी कह दिया है, और वो मान भी गए। देख लो दानिश। अरे अब क्या देखना है? तुम खुश हो ना? अरे कसम से मैं बहुत खुश हूँ, बस जाते हुए सोच रहा था कि तुम्हारे आने जाने का क्या होगा, अब तो वो परेशानी भी खत्म हो गई। फिर कब जाऊं? आज ही जाओ ना, बल्कि अभी जाओ। तैयार हो जाओ। हाँ बस जाते हुए मुझे टेक्स्ट कर देना। अच्छा सुनो, रूमी जाग गया? वो तो कब का जाग गया है। जरा फोन दो उसे, मैं उसको समझा दूं कि वो तुम्हें तंग ना करे। अरे तुम ठीक से काम करो ना, मैं समझा लूंगी उसे। ओके देन, बाय बाय। यार तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि शवार साहब के ऑफिस में तुम्हारी जॉब की बात चल रही है। क्या बताती, आखिरी दिन तक मालूम ही नहीं था कि दानिश का जवाब क्या होगा। फिर आज पता नहीं कैसे मान गया, ऑफिस गया तो वहीं से फोन किया, बोला चली जाओ। तुम भी तो देखो कितना बन ठन के निकली हो, जॉब करोगी या बिजलियां गिराओगी। अच्छा रूमी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, बस आज का एक दिन, कल मेड रख लूँगी तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। That's not a problem यार। चलो ऑफिस से वापसी पर ले जाऊँगी इसे। ओके नो प्रॉब्लम। रूमी मैं जा रही हूँ, आंटी को ज़्यादा तंग मत करना। बाय बाय। चलो। अच्छा सुनो, ये नेकलेस सचमुच असली है? हाँ ना, असली है बिल्कुल। तो फिर दानिश भाई की सैलरी में से कैसे आया होगा? मैंने कब कहा कि दानिश ने ला कर दिया है। सुनो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे? नहीं मुझे लगता है मुझे सर में दर्द हो रहा है। सर की गोली होगी? मतलब सर दर्द की गोली है? जी मिलेगी अभी रात में। तुमने बनाया मुझे, तुम्हारी वजह से इस ग्रुप की सारी कंपनीज प्रॉफिट कमा कर दे रही हैं। मैं तो बस ऑफिस आता हूं, कुर्सी पे बैठता हूं, चाय पीता हूं और चला जाता हूं। शराब साल में 2 महीने के लिए तो आती हो तुम, 1.5 महीना हिसाब करती रहती हो और बाकी के 15 दिनों में अपने अकाउंट में अपने नाम के चेक डालती रहती हो। और क्या करती हो तुम? तुम्हारे बिजनेस को मैंने अपना खून दिया है। एक्चुअली मेरे और तुम्हारे एसेट्स में 1:6 का रेशो होना चाहिए। मैं 12 महीने काम करता हूं और तुम 2 महीने। पर आई एम नॉट लाइक यू, मैं लोगों के एहसानों को याद रखता हूं। जी मिस महवेश आई हैं सर। हाँ तो मेरे पास भेजिए ना। ओके सर आइए। तुम जब भी आती हो हिसाब करती हो ना,
पैसों का, अकाउंट्स का, एसेट्स का। तो जब इस बार आना तो मेरे साथ मेरी जिंदगी के उन 5 सालों का हिसाब भी करना और बताना इस ग्रुप का प्रॉफिट ज्यादा है या मेरी जिंदगी के नुकसान का। Okay, I have to go now. I have to be in a very important meeting. अरे आप खड़ी क्यों हो? बैठिए ना। जी। Looking gorgeous. तो सब ठीक हो गया ना? कल वो आया, घड़ी पहन रखी थी ना उसने? जी। क्या डेट है आज? 16 है ना? जी। सितंबर की 16। कभी भी नहीं भूलूंगा। अपनी डायरी में लिखूंगा 16 को वो पहली बार मेरे ऑफिस में आई थी। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू। बड़े सालों के बाद किसी के अपॉइंटमेंट लेटर पे मैंने खुद साइन किया। इसमें तो मेरे नाम का चेक भी है। 5 महीने के एडवांस कर लिए। जैसी तुम हो उसी तरह जियो ना। गाड़ी और ड्राइवर भी दे दिया ना। कुछ ना कहना, तुम ये सब डिजर्व करती हो। आओ तो मैं तुम्हारा ऑफिस दिखाऊं। चक्कर आ रहे हैं सर, सर में दर्द भी हो रहा है। गोली खाई लेकिन ठीक नहीं हो रहा सर। तो ऐसी सर, अगर छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। हाफ डे लीव। ओके, ले लो छुट्टी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये रहा तुम्हारा कमरा, कैसा लगा? ब्यूटीफुल। अब लेकिन। लेकिन क्या? इस लेटर में ना ही मेरा डेजिग्नेशन लिखा है और ना ही ये लिखा है कि मुझे करना क्या होगा। तुम बताओ तुम क्या काम करोगी? मैं बताऊं? तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि तुम काम क्या करोगी, फिर सोचा सब काम कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। तुम जरा चेंज लेकर आओ। चेंज क्या? अरे तो मत करो ना काम। बस मेरे साथ साथ रहो, तो जब मैं चाहूं मेरे सामने आ जाओ और मुझे याद दिलाओ कि मैंने खाना नहीं खाया, कॉफी नहीं पी। बीवी का फोन आता है तो एक दो सिगरेट पी लेता हूं। तुम सिगरेट ना देना मुझे, डॉक्टर ने मना किया। अभी आपकी बीवी का फोन था, क्या कह रही थी? कुछ नहीं। Thank you.
अरे सिगरेट नहीं पिएंगे आप? कॉफी पी लो जी। मारिया हाँ प्लीज कॉफी ला दे। ड्यूटी कर रही हो ना? कौन सी ड्यूटी? यही जो सिगरेट पीने से रोका है, कॉफी पीने की इजाजत दे दी। आप जो भी समझे, सिगरेट तो मैं आपको नहीं पीने दूंगी। जा क्यों रही? अब वो मेरा सेलफोन कमरे में पड़ा है, दानिश ने फोन किया तो। अरे ऑफिस में इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि जब कोई फोन करे तो उसी वक्त सुनो। अच्छा मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आदत हो जाएगी मुझे इस तरह तुम्हारा सिगरेट से मना करने की, सिगरेट मुंह से निकाल कर डस्टबिन में फेंकने की, तुम्हें देखने की, तुम्हारे पास रहने की। मैं तो यही हूं आपके पास। ये तो तुम जॉब कर रही हो, पता नहीं किसी दिन उसे गुस्सा आ जाए, वो तुम्हें मना कर दे और तुम रिजाइन करके चली जाओ। कभी नहीं जाऊंगी, अब वो मुझे रोक नहीं सकता। सॉरी यार, सॉरी। अंधा हूं तो तुम्हें नजर आता है क्या? जब सिग्नल खुल गया तो चलाओ ना गाड़ी, जम के क्यों खड़ी हो? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हें लड़कों से बात करने की तमीज है? अपने आप को लड़का समझते हो? थोड़ी सी शर्म करो। क्यों बहस कर रहे हो भाई साहब? गलती आपकी है। अब आपको भी मैं भाई साहब लग रहा हूँ? अपनी उम्र देखो भाई, जाओ अपना काम करो। तो जब कभी वो रात को फोन करती हैं, तो क्या करते हैं? सिगरेट पी लेता हूँ। बुरी बात। क्या करूं मैं? पता है उसका लहजा कैसे? तुम सुनो तो तुम्हें आग लग जाए, मैं सुनता हूं तो तड़प जाता हूं। जब मैं सिगरेट नहीं पीता था ना, तो किसी भी मुलाजिम पर अपना गुस्सा उतार देता, तो बाद में जाके अपने आप को कोसता था, बेचारे उस मुलाजिम का क्या कसूर। आप फोन मत सुना करें। सुनना पड़ता है, वो बिजनेस से पार्टनर है मेरी। मैं चाहता हूँ ये मामला खत्म हो जाए। मैं सुकून से जीना चाहता हूँ महवेश, या फिर सुकून से मर जाना चाहता हूँ। प्लीज सर। एनीवे दिसंबर तक तो चलता रहेगा ये मामला, और वैसे भी दिसंबर ज्यादा दूर नहीं। उनको प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस ठीक चल रहा है तो लाइफ क्यों नहीं ठीक चल रही? प्रॉब्लम को तो पता है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी शर्म आती है। ओके नो प्रॉब्लम, मैं सुनकर क्या करूंगी? हाँ तुम भी सुनकर क्या करोगी? किस चीज की गोली है? थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बोर कर रहा हूं ना मैं तुम? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ अपने कमरे में बैठो, मैं ठीक हो जाऊं तो फिर मिलते हैं। जी नहीं, आप ठीक होंगे तो मैं जाऊंगी। तुम भी पता नहीं क्या हो,
हुक्म चलाती हो तो अच्छा लगता। इतने सालों से कहां थी तुम? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। Assalamu alaikum everyone, this is Shahab and Nawaz Siddiqui and I have some exciting news for you. For more of me and Pare Hat Love and the entire team, download the application ARY Digital Key for instant updates and news.